क्या खेलो तुम? कंची खेल रहे हो? अच्छा कौन जीत रहा है? एक राउंड मैं जीत गया। बड़ी कृपा। सो गाइस आज हम जा रहे हैं कॉलेज साइड। अरे हमारे पुराने सहपाठी हैं सोनी राठी। सहपाठी तो ये अपने अपना मार्कशीट लेने जा रहे हैं। शायद पास हो गया भाई? तो उसमें पास हो गया है ना, तभी लेने जा रहे हैं। अच्छा तब ठीक है। तो नीचे स्टेशन से और कॉलेज तक काफ़ी अच्छी रोड है। और ये कॉलेज साइड छोटी सी एक धारा बहती है जहाँ बहुत ही शुद्ध पानी आता है। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पानी पीने। यहाँ पे गेट बन रहा है कॉलेज के लिए, देखते हैं कब तक बनता है। एक साल तो ऐसे हो गया उसको। और ये है हमारा कॉलेज। अब तो वैसे जगह जगह कॉलेज खुल गए हैं, नहीं तो पहले बाहर के सभी लोग जो स्टूडेंट हैं यहाँ कॉलेज करने आते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब भीड़ रहती थी थलेचण में। और अब धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि जो है हर जगह सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, कॉलेज खुल चुके हैं और काफ़ी स्वच्छता है इधर, कोई भी गंदगी दिखाई नहीं देगी आपको। तो कॉलेज से आगे रोड चली गई है, कटान हो चुका है रोड के लिए। ये है कॉलेज का गेट, राजकीय महाविद्यालय थलीसैंण अध्ययन केंद्र। और यहाँ पे रोड बन रही है, उसमें पूरा सीमेंट लग रहा है, तो अभी हम थोड़ी देर में जाते हैं उधर। और आगे लाइब्रेरी भी बन रही है, यहाँ से दिख नहीं रही है, दिखाऊंगा आपको। काफ़ी अच्छी कलाकृति बनाई गई यहाँ पे। विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम। और कॉलेज में काफ़ी अच्छी बागवानी की गई है, फूल लगाए गए थे इधर भी, लेकिन अभी कुछ तो हो गए हैं, कुछ सड़ गए हैं और कुछ अभी नए पौधे उग रहे हैं। और एक छोटा सा स्टेडियम है और यहाँ पे स्टेज बनाई गई है। तो पहले हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो यहाँ पे रेस होती थी, बाला फेंक पूरे खेल होते थे, तो काफ़ी मज़ा आता था। और अभी शायद कोरोना काल से बंद ही है। तो काफ़ी याद आता है कॉलेज, मतलब यहाँ पे हमने बहुत पढ़ाई की है अच्छे से। और बैग भी लगी है, ऐसा नहीं कि बैग नहीं लगी हमारी। फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर में ही हमारी बैग लगी थी, तो उसके बाद पूरा क्लियर था और अभी तक क्लियर है। और मेरा एक दोस्त आ रखा अपनी डिग्री लेने यहाँ पे, तो ले नहीं गया था पहले, तो उसको शायद यहाँ से नहीं मिलेगी, वो मिलेगी श्रीनगर से। तो अब वो जाएगा श्रीनगर, यहाँ से लेटर लिख के देना पड़ेगा टीचर लोगों को, तो श्रीनगर से लेके जाएगा। तो इसके बाद जाएंगे हम थोड़ा सा आगे पे, वहाँ पे रोड बन रही है और मेंट लग रहा है, तो देखते हैं कैसी है वहाँ की रोड। तो यहाँ पे ये लोग सड़क का काम कर रहे हैं, यहाँ पे सीमेंट लग चुका है रोड पे और शायद आगे तक बनेगा। और अभी काफ़ी कार रहा चलेगा इस रोड पे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में रेत है और सीमेंट रखा हुआ है। ये हमारी जो है साइंस की क्लासेस चलती हैं इस बिल्डिंग पे, और इससे आगे जो बिल्डिंग है वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई गई है, जो कि अभी मतलब कार्य चल रहा है उस पर। तो यहाँ की रोड तो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। और यहाँ पे एक पानी का स्रोत है जो कि जहाँ पे काफ़ी शुद्ध पानी आता है, और जो जितने भी थलीसैंण के लोग हैं वो सुबह या शाम को यहाँ से एक एक डब्बा पानी लेके जाते हैं पीने के लिए। और ये सामने बिल्डिंग है, ये आधी बनी हुई है और जो बन रही है इसका भी कार्य प्रकृति पर चल रहा है। यहाँ पे आप लेबर होंगे जो उनको देख सकते हैं। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनाया गया था। और ये हमारी लाइब्रेरी भवन, यहाँ पे दो तीन बार इस पर कार्य हो चुका है लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, और लास्ट टाइम है जो कि काफ़ी अच्छी बनी हुई है लास्ट टाइम पे। और ये नीचे जखोला वाली रोड है जो कि बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन अभी उस पर की रोड नहीं हुई है अभी तक। अरे बाउंड्री देख सकते हैं आप, जहाँ से जहाँ ये बाउंड्री लगी है
वो पूरी इसके अंदर कॉलेज की ज़मीन है। और इस रोड पे मैं फर्स्ट टाइम इस पे जा रहा हूँ, अभी थोड़ा आगे तक जाते हैं, देखते हैं कितनी बनी हुई है। ये शायद काफ़ी आगे तक जा चुकी है और यहाँ बाइक जो है आप आराम से ला सकते हैं, बाइक तो आराम से जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे गधेरे थे पहले तो वहाँ से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैं अब तक गया नहीं हूँ। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तक तो बाइक आराम से आ सकती है। ये काफ़ी शांत जगह है भाई ये जंगल। और अभी हम हैं थलीसण के नीचे बैठे हुए, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं फिलहाल। भाई ख़त्म हो चुकी है भाई, सामने काफ़ी तेज़ धूप चमक रही है और हम पेड़ों की छाया में हैं फिलहाल। काफ़ी मस्त पेड़ है यहाँ पे छाया लायक और काफ़ी देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको आगे भूतिया कमरा है, जो मकान है उसकी कहानी तो हम बताएंगे नहीं पूरी, पर थोड़ा बहुत बता देंगे आपको। मांडोसैन नाम है जहाँ का। चले भाई चलो चलते। और इस जंगल में काफ़ी चीड़ के पेड़ हैं और बांस तो कहीं पे दिखाई नहीं देगा आपको थलीसण के एरिया में। और जहाँ हम परसों गए थे फीटसण तो वहाँ टोटली बांझ है, और दीवा मंदिर भी गए थे हम तो वहाँ भी बांझ ही बांझ है, मतलब चीड़ वहाँ बहुत कम है। और जहाँ बांस के पेड़ रहते हैं तो वहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और चीड़ के पेड़ होते हैं पूरा पानी सोख लेते हैं आसपास की जगह से। यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं अश्वनी जी, बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे, ठंडा भी तो गर्म हुआ है। और यहाँ से नीचे नदी है पूर्वी नहर, जो कि सामने हमारे काफ़ी बड़ी नदी बहती है, उसमें नहाने के लिए जाते थे हम जब कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे। तो हमारे साथ मशहूर तैराक काफ़ी अच्छा तैरते थे अश्वनी, तैरना उन्होंने वहीं से सीखा। और अब अगर इनको स्विमिंग में अगर पार्टिसिपेट करना होगा तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे वहाँ पे। गोल से कम नहीं लाएंगे। तो ये रहा वो भूतिया बंगला। तो इस बंगले के बारे में जो कहानियाँ हैं वो अश्विनी हमें बताएंगे। यहाँ पे पहले टीचर्स कॉलोनी थी, टीचर्स लोग रहते थे यहाँ पे सारे। फिर यहाँ एक दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण फिर टीचर्स को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी, इसलिए एक एक करके सब टीचरों ने यहाँ छोड़ दिया था। और तब उसके बाद ये ऐसा खंडर जैसा बन गया, अब लोग यहाँ पे अपने गाय बकरियाँ ऐसी छोड़ देते हैं। कुछ लोग रहते भी हैं यहाँ पे, ये चारावाही टाइप के लोग हैं, ये यहीं रहते हैं। तो हम बिल्डिंग के अंदर दिखाते हैं आपको कैसा हाल और क्या है, पूरा गोबर ही गोबर है। दुर्घटना के बाद यहाँ बहुत बुरे हाल हो चुके थे, काफी ज्यादा खंडर बन चुका है। गाय भैंस सारी टूट रखी है, दरवाजे मकड़ी के जाल काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अरे ऊपर का रास्ता है, मैं एक्सपर्ट हूँ इसलिए मैं आज आके जा रहा हूँ। हमारे संवाददाता अश्विनी राठी हमें गाइडलाइन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा डर भी लगता है ऐसी जगह पे आने पे। तो फर्स्ट बार मैं जब थलीसण में बहुत साल हो गए तो फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ इधर। तो यहाँ पूरे दरवाजे शायद आपके लोगों ने तोड़ेंगे, सब टूटे हुए हैं। लेकिन जो मकान बना था पहले वो काफ़ी अच्छा मजबूत बना हुआ है, उसमें से बिल्कुल भी मतलब जो वाइट पुट्टी लगाई गई है अभी तक बनी हुई है। यहाँ पे पहले किचन हुआ करता था, अब नहीं है। काफ़ी ज़्यादा और पुरानी बिजली की फिटिंग अभी तक यहाँ पे देखने को देख सकते हैं आप।
अंधेरा कुछ अच्छा एरिया था लेकिन दुर्घटना के कारण यहाँ लोगों ने छोड़ दिया। फिर यहाँ से बाहर कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, खेलते भी यहाँ नीचे फील्ड में दिन में शाम को। ये सही नीचे बुला लेते हैं। और यहाँ पे पहले पांडे जी रहते थे हमारे टीचर, तो हम ट्यूशन आते थे उनपे। और ये टंकी हमारी फेमस थी, हम इस पर बैठते थे, आधे घंटे पहले घर से निकल जाते थे तो यहीं पे बैठते थे। और शाम को हम मतलब रात को लगभग 7 बजे करीब आते थे और 8 बजे तक हमारा ट्यूशन चलता था। तो काफ़ी हमने यहाँ मज़े किए हैं, हम सब जितने भी सहपाठी थे तो यहीं पर आके बैठते थे, आधे घंटे पहले निकल जाते थे घर से, फिर उसके बाद पढ़ने जाते थे, फिर अंधेरा भी काफ़ी हो जाता था। तो काफ़ी मतलब कॉलेज स्कूल टाइम पर हमने काफ़ी मज़े किए हैं और अब याद आते हैं वो दिन। तो थलीसाण से, यहाँ से थलीसाण काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऊपर से भी दिखाया मैंने आपको थलीसाण पूरा, और यहाँ पे से मैंने आपको थलीसाण दिखाया, जो ये ऊपर चट्टान दिख रही है आपको वहाँ से पूरा थलीसाण दिखाई देता है। और अभी हम पूरा नीचे हैं थलीसाण के नीचे वाले एरिया में, और यहाँ पर कैनर बैंड है, और इस साइड हमारा डिग्री कॉलेज है, वहाँ से हम घूम के सीधे इधर ही आ रहे हैं। और यहाँ पे चलती थी हमारी ट्यूशन क्लासेस, यहाँ पे पांडे जी रहते थे पहले, उनका कमरा ऊपर था लेकिन हमारे हमको पढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पे कमरा लिया था, तो हम यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए। अरे हमारे दोस्त का पुराना मकान जो कि अब कोटदार में रहते हैं, और ये हैं वो अपने घर को देखते हुए, शायद उनको याद आ रही है इस घर की, तो हमने तो बोला नहीं भाई इनको कि यहाँ से जाओ। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या खेलो तुम, कौन सी खेल रहे हो? अच्छा कौन जीत रहा है? एक राउंड मैच जीत गए। गुड, जल्दी जल्दी खेल। मैं सब राउंड ट्राई हां ट्राई भी होती क्या? हमारे जमाने में ट्राई नहीं होती थी यार। कहां पे? चल ठीक है मार दे, देखी जाएगी। थोड़ा थोड़ा बच गया यार। जीत गया अबे तो हार गया। चलो अब जीते जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, बाय।